ये डेजी बजाज है, ये एक आर्टिस्ट है। आज सुबह सुबह ये जब दूध सब्जी खरीदने गए थे तो पीछे से इनके घर में भयानक आग लग गई जिसमें कुछ नहीं बचा। मैंने आपको पहले लाइव में दिखा दिया, कुछ भी नहीं बचा इसके घर में। पहनने को कपड़ा नहीं, कोई खाने को कोई राशन नहीं, इवन बच्चे के डॉक्यूमेंट्स तक राख हो चुके हैं। यहाँ पे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स आए हुए हैं। सर क्या लगता है आपको, किस तरह की हेल्प इनको गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए? देखो अभी फ़िलहाल तो मैं एक तो सिचुएशन देखने आया था और हमने इमीडिएट जो रिलीफ हो सकता था वो इनको प्रोवाइड किया है। राशन दिया है, थोड़े कुछ क्रॉकरी बर्तन हैं, इसके अलावा बेडिंग और जो भी मतलब डेली यूज़ के सामान है वो हम दे रहे हैं। बाकी ये रही बात जैसे इनका कंसर्न है इनके डॉक्यूमेंट्स कुछ जल गए हैं, तो वो जो हमारे तक है हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के, वो तो हम इमीडिएटली इनको प्रोवाइड कर देंगे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स के बाकी डॉक्यूमेंट्स थे तो वो भी हम टेकअप करेंगे उनके साथ, तो जितना हो सके हम करेंगे। सर आपने खुद देखा घर की हालत? हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। मैंने सुबह सुबह मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन चलो होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अभी हम फिलहाल ये है कि कैजुअल्टी से बच गए, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, तो जितना हो सके हम अपनी तरफ से इनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे ही हमें पता लगा कि इनके क्वार्टर में आग लगी है तो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में जो हमारे हेडेड बाई के सिद्धा सर जो कमिश्नर साहब हैं, क्योंकि वो इस समय जम्मू में अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली यहाँ आने को कहा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने इनको इनका जो क्वार्टर है इन्हें एक नए क्वार्टर में शिफ्ट करवा दिया है, ये हमारी पहल थी। उसके बाद हमारे जैसे आप देख रहे हैं ACR साहब अभी हमारे साथ हैं, तो जो बेसिक रिलीफ आइटम्स हैं ये अभी ले आए हैं। इसके अलावा शाम तक और बेडिंग मटेरियल और ब्लैंकेट्स भी इनके पास पहुंच जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई कमी पेशी रहती है तो डिपार्टमेंट का दरवाज़ा इनके लिए बिल्कुल खुला है, डिपार्टमेंट बिल्कुल इनके साथ खड़ा है इस दुख के मौके पर। तो फॉर्चुनेटली ये है कि किसी का जान या और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी जो माली नुकसान है उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपका जाला किया जाए। सर ये कश्मीरी पंडित फैमिली है, आपको पता है पहले ही अपना घर बार गंवा चुके हैं, तिनका तिनका जोड़ के एक बार अपना तैयार किया था फिर से इन्होंने, तो ये सब अनफॉर्चुनेट कहूँगी मैं, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, होने को नहीं टाल सकते हैं हम लोग। तो सर जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका, उन क्या क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट इनके जो जल गए हैं, जैसे कि मुझे सुनने में आ रहा है कि राशन कार्ड इनका जल गया है और जो डेटा फॉर्म है, तो क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ही डिपार्टमेंट से पर्टेन करता है तो राशन कार्ड और डेटा फॉर्म तुरंत इनको मंडे को ही दे दिया जाएगा। हमने इनकी फाइल में चेक किया हुआ है, वहाँ फोटोकॉपी लगी हुई है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। रही इनकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कोई एजुकेशन से कुछ भी है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी इनके साथ रहेगा, पूरा तावन किया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो पर्सनली सिद्धा साहब इंटरवीन करके इनको इनके डॉक्यूमेंट्स भी दिलवा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये डेजी बजाज है, आर्टिस्ट है, लोगों को जीना सिखाती है, हंसाना सिखाती है, लेकिन आज ये खुद बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है। इवन मेरे से रिपोर्टिंग नहीं हुई, मैंने जब इसके घर का हाल देखा, हर चीज़ राख हो चुकी है, कोई ज्वेलरी नहीं बची इसके पास, कोई राशन नहीं बचा, कोई कपड़ा नहीं बचा, इवन बेडिंग सब कुछ ख़त्म है, वहाँ राख ही राख है, पूरी तरह रास्ते पर आ चुकी है। तो मेरे जो आम पब्लिक है उनसे भी अपील रहेगी कि इस टाइम आगे आए, इस दुख के समय पर इसका साथ दें, इस परिवार का जिससे जितना बन सके, चाहे जिस भी कम्युनिटी के लोग ये वीडियो देख रहे, चाहे मदद हो सके, आगे आए इस टाइम और इस परिवार का इस टाइम हाथ थाम ले, बहुत जरूरत है इसको हम सब की मदद की। थैंक यू वेरी मच। कीर्तिधर, शाइन इंडिया जैकी।